Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार आज से हम भारतीय संविधान भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में एक नए पाठ्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हमारी यह कोशिश होगी कि हम भारतीय संविधान के प्रमुख प्रावधानों के बारे में उनके व्यवहारिक अनुभव के बारे में आपसे चर्चा करें हमारी यह भी कोशिश होगी कि इस पूरी चर्चा में हम आगे के अपने एपिसोड्स में भारत में राजनीतिक दल उनकी विचारधारा लोकतंत्र की प्रक्रिया से जुड़े और कई आयामों को इसमें सम्मिलित करें आ, अभी आज का जो पूरा व्याख्यान है वह भारत की संविधान सभा संविधान निर्माण की प्रक्रिया और संविधान की मुख्य विशेषताओं या संविधान के दर्शन पर आधारित है और यह जो पूरी परिचर्चा है उसमें आ, जो परिचर्चा का पूरा स्वरूप होगा उसमें सबसे पहले हम आ, भारत में जो औपनिवेशिक दौर से संवैधानिक विकास की प्रक्रिया चली उस पर एक निगाह डालेंगे और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात करेंगे जो 1909 में हुआ था फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसके बाद हम यह देखेंगे कि इन इस तरह के जो कानून थे इनकी विशेषताओं के साथ साथ किस तरीके से समानांतर रूप से भारतीय संविधान सभा की एक मांग उठाई जाती रही है और इसमें इस संदर्भ में हम कैबिनेट मिशन और संविधान सभा का जो निर्माण हुआ उसकी परिस्थितियों को तो समझेंगे ही पर उसके पहले जो अलग अलग तरीके से आ, संविधान सभा की मांग की गई उस पर भी एक निगाह डालेंगे और उसके बाद हम संविधान सभा के कार्य करने के तरीके को समझेंगे फिर संविधान के दर्शन को देखेंगे और उस संदर्भ में हम विशेष रूप से जो हमारे संविधान के उद्देश्य का या प्रस्तावना प्रियम्बल है उसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम संविधान सभा के कार्य और संविधान की कुछ आलोचनाओं पर नज़र डालेंगे और उसके बाद विशेष रूप से हम राजीव भार्गव और ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा भारतीय संविधान आ, सभा और भारत के संविधान की जो कुछ मोटी आलोचनाएं हैं या हम कहें समीक्षाएँ हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे अगर हम अपने आ, देश के इतिहास पर नज़र डालें तो एक जो प्रमुख बात हमारे सामने आती है वह यह कि लोकतंत्र की जो पूरी प्रणाली है या लोकतांत्रिक जो पद्धति है वह प्राचीन काल में हिंदुस्तान में हमारे देश में मौजूद थी लेकिन बाद के दौर में राजतंत्रात्मक शासन रहा और उस राजतंत्रात्मक शासन में मुगलों का दौर आया अंग्रेज़ों का जब दौर आया और हिंदुस्तान में जब औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुई तो उन्होंने यह प्रयास किया कि हिंदुस्तान के भीतर धीरे धीरे वो कुछ संवैधानिक सुधारों के कार्य करें और ये जो संवैधानिक सुधार थे जिसका मतलब था कि बहुत ही सीमित स्तर पर जो देशज लोग थे जिसमें जो पढ़े लिखे लोग थे उनको शासन की प्रक्रिया से जोड़ना वह एक तरीका भी था अंग्रेज़ों के लिए कि भारतीयों की जो नाराज़गी हो सकती है भारतीयों का जो गुस्सा हो सकता है उनका जो असंतोष हो सकता है उस पर थोड़े पानी के छींटे डालते रहो उसका थोड़ा शमन करते रहो उसको थोड़ा सा हल्का बनाए रखो तो इसका इस्तेमाल भी अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया इन अलग अलग तरीके के संवैधानिक हम कह सकते हैं प्रगति के कामों के द्वारा और ये निश्चित रूप से एक मोटे संविधान के रूप में सामने नहीं आए बल्कि ऐसे सुधारात्मक कार्य के रूप में सामने आए जिसके द्वारा हिंदुस्तान के लोगों को थोड़ी थोड़ी भागीदारी दी जाती रही और इस संदर्भ में जो सबसे बड़ा और सबसे पहला प्रमुख आ, एक्ट आता है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उन्नीस का और इसे जो आ, भारत सचिव थे मार्ले और मॉर्ले और वायसराय मिंटो उनके नाम पर पार्लियामेंट्रो सुधार के रूप में भी जाना जाता है और इसके माध्यम से अठारह और अठारह के भारतीय परिषद अधिनियमों के कारण प्रांतु प्रांतीय सरकारों द्वारा मनोनीत सदस्यों के बहुमत को खत्म कर दिया गया और केंद्रीय विधायक परिषद में कुछ मात्रा में चुनाव भी शुरू हुए मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना हुई ये जो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना है वह मिंटो जो सुधार है उसकी एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है ऐसा मानने का कारण यह है कि जब मुस्लिम लीग का गठन हुआ 1906 में तो उसके बाद से ही यह मांग मुस्लिम लीग के द्वारा आगे बढ़ाई गई क्योंकि मुस्लिम लीग ने इस बात पर जोर देना शुरू किया कि जो हिंदू संगठन है और कांग्रेस को एक हिंदू संगठन मानती थी उसके द्वारा जो मुस्लिम हैं उनके हितों का सही तरीके से प्रतिनिधित्व तो नहीं किया जा सकता है इसलिए मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना होनी चाहिए पृथक निर्वाचक मंडल का अर्थ क्या है पृथक निर्वाचक मंडल का अर्थ है कि अगर मिसाल के तौर पर मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल है तो सिर्फ मुस्लिम मतदाता मुस्लिम उम्मीदवार को मत देंगे और उसके आधार पर व्यक्ति या उम्मीदवार चुने जाएंगे तो इससे क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट होंगे वो सभी के सभी मुस्लिम होंगे तो वो मुस्लिमों के मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान देंगे उनके हितों को ज़्यादा वरीयता देंगे और इसी के कारण इसकी मांग की गई और फिर मॉडलमेंट्री सुधारों में इसको स्वीकार भी किया गया बहुत सारे इतिहासकार यह मानते हैं कि असल में यह अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति डिवाइड एंड रूल की जो उनकी नीति थी उसी का एक नमूना था और उसके बाद कई तरह की जो आ, घटनाएं हमारे देश में घटी इस पूरे दस वर्षों के दौरान आ, उसके परिणामस्वरूप फिर 1919 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया जिसमें भारत सूची मॉन्टेग्यू और वसराय चेम्सफोर्ड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसीलिए इसे, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के रूप में भी जाना जाता है और इसमें प्रांतों के स्तर पर द्वैध शासन की डायरकी की स्थापना की गई और इसमें नौकरशाही के साथ साथ निर्वाचित मंत्रियों को भी मंत्रिपरिषद में स्थान दिया गया केंद्र में ऐसी व्यवस्था नहीं अपनाई गई तो पहली बार ऐसा हुआ कि जो मंत्रिपरिषद राज्य का प्रांतों का शासन करने के लिए तैयार किए गए उनमें जो आ, निर्वाचित प्रतिनिधि थे उनको भी कुछ हद तक शामिल किया गया और लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि आ, ऐसे विभागों को ही इन मंत्रियों को दिया गया निर्वाचित मंत्रियों को जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे और इसमें भी इनके फैसले जो थे वो गवर्नर के द्वारा वीटो किए जा सकते थे तो इस लिहाज से एक सीमित स्तर पर ही यह सुधार था और अगर आप अपने देश की राजनीति को उस दौर में समझें तो आप यह देखेंगे कि यह वह दौर था जहाँ से भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और ज़्यादा संगठित रूप से आगे बढ़ा उसके पहले भी अलग अलग स्तरों पर विरोध के स्वर उठ रहे थे जो क्रांतिकारी थे जो कि हिंसक संघर्ष में भरोसा रखते थे उन्होंने Uh, 1909 के बाद बहुत सारी गतिविधियाँ की गदर पार्टी की गतिविधि थी और कई अन्य तरह की गतिविधियाँ थीं जिसने अंग्रेजों पर काफ़ी दबाव डाला लेकिन 1919 के बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो जन आंदोलन की एक पूरी प्रक्रिया आरंभ हुई उसने uh, काफ़ी गहरे स्तर तक लोगों के भीतर जागरूकता का भाव भरा और इससे जो अंग्रेजों का शासन था वो काफ़ी दबाव में भी आया इसी दौर में आ, बाद के यानी कि उन्नीस के बाद के दौर में भगत सिंह सक्रिय होते हैं और आ, उनकी नेतृत्व में हम कह सकते हैं या उनके साथियों के द्वारा भी जो क्रांतिकारी आ, संगठन बनाए गए और उसने भी अंग्रेजों पर काफ़ी दबाव डाला तो इन्हीं सब दबावों का परिणाम था कि अंग्रेजों ने भारत में शासन के स्तर पर और एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार करने का प्रयास किया इसके लिए उन्होंने गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जिसके बारे में आ, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हम चर्चा कर सकते हैं लेकिन चूँकि यहाँ पर विषय मुख्य रूप से संविधान के विकास की प्रक्रिया को समझना है तो हम मुख्य रूप से यहाँ पर 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं तो मेरा मुख्य जो बिंदु है वह यह है कि इन सब प्रक्रियाओं के कारण जो देश में जो काफ़ी उथल पुथल हो रही थी उसके कारण अंग्रेजों पर यह दबाव पड़ा और उन्होंने 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पारित किया और इसमें एक संघीय सरकार के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्ता का प्रावधान किया गया शासन के विषयों को केंद्रीय प्रांतीय और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया इसमें अंत प्रांतीय परिषद की स्थापना का प्रस्ताव किया गया पहली बार फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई देसी रियासतों ने संघ में शामिल होने में इस समय झिझक दिखाई द्वितीय विशुद्ध आरंभ जब हुआ तो इसके कारण यह केंद्र स्तर पर लागू नहीं हो पाया इसके पहले की यह केंद्र स्तर पर लागू होता द्वितीय विशुद्ध आरंभ हो गया और जो कांग्रेसी सरकारें थी उन्होंने द्वितीय विशुद्ध आरंभ होने के समय सरकार और कांग्रेस के बीच बुनियादी असहमति के कारण इस्तीफा दे दिया तो जो मुख्य बात हमें याद रखने की जरूरत है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में वह यह है कि 1935 के के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने एक बहुत सारे मामलों में एक ऐसी बुनियादी रूपरेखा प्रस्तुत की जिसने बाद में हमारे संविधान सभा के कार्यों को प्रभावित किया मिसाल के तौर पर जो संघीय ढांचा था फेडरल कोर्ट की स्थापना थी आ, उसी तरीके से आदिवासी क्षेत्रों के लिए जो कुछ प्रावधान थे इन सभी चीज़ों की गहरी छाप बाद में भारत के संविधान में भी पड़ी हालांकि यह पूरी प्रक्रिया जो है वह केंद्र स्तर पर और प्रांतों के स्तर पर ठीक तरीके से लागू नहीं हुई प्रांतों के स्तर पर लागू हुई लेकिन उन्नीस आते आते यह विफल हो गई बहरहाल अगर हम अपने देश में संविधान सभा की मांग की बात करें तो यह भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के साथ आगे बढ़ता रहा और इस मांग में मुख्य रूप से सबसे पहले महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में 5 जनवरी 1922 को इंडिपेंडेंस शीर्षक से लिखे लेख में भारतीयों द्वारा अपना संविधान निर्माण करने का विचार रखा श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयासों से 1925 में हाउस ऑफ कॉमन्स में द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल 1925 प्रस्तुत किया गया इसमें भारत के लिए संविधान सभा की बात कही गई थी लेकिन उसी समय लेबर सरकार लेबर पार्टी की सरकार का पतन हो गया और यह विधेयक समाप्त हो गया 1927 में मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में संविधान निर्माण का प्रस्ताव रखा लेकिन पहला ठोस प्रयास 1928 में किया गया इसमें सर्वदलीय सम्मेलन में कांग्रेस और मुस्लिम सहित कई अन्य दलों के सदस्यों ने मिलकर संविधान का मसौदा किया तैयार किया और इसे मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट के रूप में जाना गया और यह वह दौर था जब साइमन कमीशन हमारे देश में आया था और यह चुनौती रखी गई थी कि क्या हिंदुस्तानियों में जो इतना मतभेद है तो क्या वो खुद मिलकर कोई संविधान का प्रारूप तैयार कर सकते हैं तो मोदीलाल नेहरू कमेटी की इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही और यह इस कमेटी का जो रिपोर्ट था उसमें नागरिकों और अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव को शामिल किया गया लेकिन मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक बुनियादी मतभेद था मुस्लिम लीग हमेशा ही आ, एक तरीके से कांग्रेस के प्रति आशंका से ग्रस्त रहती थी मुस्लिम लीग को यह लगता था कि कांग्रेस मोटे तौर पर हिंदुओं का संगठन है उसे यह लगता था कि आ, इसके आ, द्वारा जो चीज़ें की जा रही हैं उसमें बहुमत का जो एक वर्चस्व होता है उसकी बात है और इस बहुमत के वर्चस्व के कारण जब अंग्रेज चले जाएंगे तो आ, जो मुस्लिम है वह बहुत ही दोहरी स्थिति में आ जाएगा दोहरी नागरिकता या दोहरे नागरिक की हैसियत में आ जाएगा तो इसलिए मुस्लिम लीग ने यहाँ पर भी अपनी यह मांग रखी कि एक जो पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है वह की जानी चाहिए और यह एक बुनियादी मतभेद का कारण बना 1940 में चालीस राय यानी कि बाद के दौर में भी ये चीज़ें होती रही 1935 के एक्ट की मैंने बात की लेकिन 1940 में जब ये द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो एक अलग तरह की उथल पुथल शुरू हुई और 1940 में चालीस में ने, ने भारतीयों के इस मांग को का उल्लेख किया लेकिन अदा नहीं किया 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत आया इसने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश भारत के प्रांतों और देशी रियासतों के लिए संघीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया आरंभ करने की बात की कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को नकार दिया और 8 जून बयालीस को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करने में महात्मा गांधी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही निश्चित रूप से कांग्रेस यह नहीं चाहती थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय वह ब्रिटेन को या इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा खतरे में डाले क्योंकि यह माना जा रहा था और कांग्रेस में इस बात पर सहमति थी कि अपनी तमाम बुराइयों के बावजूद ब्रिटेन लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व तो करता है लेकिन कांग्रेस uh, की जो मुख्य असहमति थी विशेष रूप से महात्मा गांधी की वह यह थी कि इंग्लैंड ठोस रूप से कुछ भी भारत को देने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने क्रिप क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को पोस्ट डेटेड चेक के की संज्ञा दी थी यानी कि वह भविष्य में कभी कुछ स्थिति उत्पन्न होगी तो दी जाएगी इस लिहाज से जो भारतीय नेता थे विशेष रूप से उसमें महात्मा गांधी का नेतृत्व तो, uh, सबसे महत्वपूर्ण है uh, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अभी ही अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर चले जाना चाहिए हमें अपनी नीति पर उन्हें छोड़ देना चाहिए और ये एक ऐसा आंदोलन था जिसने कि अंग्रेज़ों को यह एहसास दिला दिया कि वे अब लंबे समय तक भारत पर अपना शासन नहीं कर पाएंगे यहाँ पर कुछ अन्य बिंदुओं को समझने की आवश्यकता है और वह प्रमुख बिंदु यह है कि जो आ, मुस्लिम लीग था जिसमें कि अब मुहम्मद अली जिन्ना एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में स्थापित हो चुके थे उसने अलग पाकिस्तान की मांग सामने रखी 1940 में और बाद में वह इस मांग को लेकर और ज़्यादा मजबूती से अपनी गुलबंदी करने लगा लोगों को खासतौर पर मुस्लिमों को एकत्रित करने लगा और वह बार बार उसकी तरफ से इस बात पर जोर दिया गया कि मुस्लिमों के लिए एक पाकिस्तान के रूप में जाना चाहिए कई बार यह कहा जाता है कि पाकिस्तान की मांग को लेकर शायद मुस्लिम लीग सौदेबाजी की और विशेष रूप से मोहम्मद अली जिन्ना सौदेबाजी की रणनीति अपना रहे थे यानी उन्हें लगता था कि अगर वो पाकिस्तान की मांग करेंगे तो कुछ ज़्यादा स्वायत्तता वाले क्षेत्र मिल जाएंगे या उन्हें कोई महत्वपूर्ण पद मिल जाएगा लेकिन बाद की जो घटनाक्रम हुए उसमें अठारह सौ के आसपास जिस तरीके की घटनाएं हुई उसने भारत को विभाजन की ओर ढकेल दिया क्योंकि उन्होंने यह कहा मुस्लिम लीग ने कि हिंदुस्तान के हर मोहल्ले में हर गांव में दो राष्ट्र हैं एक हिंदुओं का और एक मुस्लिमों का यानी कि जो हिंदू हैं वो एक राष्ट्र हैं और जो मुस्लिम हैं वो एक अलग राष्ट्र हैं तो ये जो विचार था जो कि बहुत पहले हम देख सकते हैं कि 1920 के दशक में सावरकर के विचारों में और उसके पहले भी कुछ लेखकों के विचारों में आ रहा था लेकिन ज़्यादा ठोस रूप से ज़्यादा मजबूती से इसे एक शक्ल देने का काम मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने किया बहरहाल इन सभी चीज़ों के साथ जब द्वितीय विश्व समाप्त हुआ और इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी की सरकार बनी तो उसने उन्नीस सौ उन्नीस में लॉर्ड ने भारत में जल्द से जल्द संविधान सभा बनाने की बात की। कांग्रेस और मुस्लिम लीग से विचार करने के बाद इसमें एक ऐसे केंद्र की परिकल्पना की गई की गई थी जिसके पास विदेश मामले रक्षा और संचार का विषय रहता बाकी मामलों को प्रांतों को दे दिया गया संविधान सभा के लिहाज से इस इसमें संविधान सभा के चुनाव के लिए भी प्रावधान सम्मिलित किए गए कैबिनेट मिशन प्लान का जो एक महत्वपूर्ण पहलू जिसका कि मैंने उल्लेख किया वह एक ऐसे केंद्र की परिकल्पना में निहित था जिसके पास बहुत ही सीमित शक्तियाँ होती और एक तरीके से यह परिकल्पना आ, या यह प्रस्ताव इस विचार के साथ या इस सोच के साथ सामने रखा गया था कि यह जो एक मुस्लिमों की और विशेष रूप से मुस्लिम लीग की जो असुरक्षा की भावना है उसका शमन करेगा और कुछ ऐसे राज्यों को या सभी राज्यों को तो खैर इसमें प्रावधान किया गया लेकिन विशेष रूप से जो मुस्लिम बहुल राज्य थे उनको स्वायत्तता मिलेगी और सिर्फ विदेश मामले रक्षा और संचार में ही केंद्र का का एक तरीके से नियंत्रण रहेगा तो ये एक आ, अलग तरह की परिकल्पना थी जिसमें कि कमज़ोर केंद्र था और राज्यों के पास प्रांतों के पास ज़्यादा शक्ति थी लेकिन जैसा कि हम जानते हैं मैंने पहले भी इसका उल्लेख किया और हम सब इस इतिहास से परिचित हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान के जो प्रस्ताव थे बाद में मुस्लिम लीग के द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया गया और मुस्लिम लीग ने बहुत ही ज़ोरदार तरीके से यह मांग रखी कि उसे एक अलग देश ही चाहिए पाकिस्तान के रूप में और बहरहाल अगर हम संविधान सभा के चुनावों की बात करें तो इसमें यह प्रावधान किया गया कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के आ, आ, अनुसार कि प्रांतीय विधायिकाओं से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर संविधान सभा के सदस्य चुने जाएंगे ब्रिटिश इंडियन प्रांतों और देसी रियासतों से उनके जनसंख्या के अनुपात में सदस्यों के चुनाव का प्रावधान किया गया प्रांतीय विधायिकाओं के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए ये चुनाव 1935 के अधिनियम के तहत हुए थे इसमें इन चुनाव में और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है कि इन चुनाव में संपत्ति और शिक्षा के प्रतिबंधों के कारण सिर्फ 28.5 प्रतिशत लोगों ने ही मतदान किया यानी कि जो संविधान सभा चुनी गई उस संविधान सभा में देश के सभी वयस्क लोगों ने मतदान नहीं किया था सभी वयस्क लोगों के सिर्फ 28.5 प्रतिशत हिस्से को ही मताधिकार का पूरा हक प्राप्त था और उन्होंने ही मतदान किया और उसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित हुई उसमें कुल तीन सौ नवासी थ्री एटी नाइन सदस्य थे ब्रिटिश इंडिया से द, द, दो सौ बानवे और प्रांतों के चीफ कमिश्नरी से चार और देसी रियासतों से तिरानवे यहाँ मुझे उम्मीद है कि आप में से अधिकांश लोग देसी रियासतों के अस्तित्व से परिचित होंगे और क्योंकि हमारे देश में आज़ादी से पहले भी बहुत सारे छोटे छोटे देसी रियासत थे जिन्हें सरदार पटेल और वीपी मेनन के प्रयासों से आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में शामिल किया गया तो ये वो ऐसे क्षेत्र थे जिनमें कि छोटे छोटे आ, इलाकों पे जो राजा महाराजा या छोटे सामंत थे उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर ली और बदले में अंग्रेजों ने उन्हें अपने क्षेत्र में कुछ अधिकार दे दिए और लेकिन हमेशा ही अंग्रेजों का एक प्रतिनिधि इन रियासतों में रहता था तो पूरी तरीके से अपने अस्तित्व के लिए अंग्रेजों पर निर्भर थे अधिकांश देशी रियासतों के जो शासक थे उन्होंने अंग्रेजों के पिछलग्गु का काम किया और उन्होंने हमेशा यह कोशिश की कि जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा है उसका शमन किया जाए उसको नियंत्रित किया जाए अंग्रेजों की भलाई के लिए काम किया जाए तो इनसे भी चूंकि ये बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े हुए थे तो इनसे भी आ, कई सदस्यों को चुनकर देशी रियासतों के सदस्यों को भी संविधान सभा में शामिल किया गया प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थीं। यह तय किया गया कि देसी रियासतों से चुने जाने वाले तिरानवे सदस्यों का चुनाव संविधान सभा और इन रियासतों के बीच परामर्श से होगा संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और सचिदानंद सिन्हा को इसके प्रथम अस्थाई सदस्य के रूप में अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया क्योंकि वो सबसे आ, सीनियर मेंबर थे तो एक सम्मान के तहत उनको चुना गया बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने और इसके बाद दो वर्ष ग्यारह महीने और सत्रह दिनों में संविधान बनकर तैयार हुआ यहाँ हमें यह समझ लेना चाहिए कि जो पूरी संविधान सभा बनी जिसमें कि उन चुनावों में मुस्लिम लीग ने भी भागीदारी की पर कभी भी मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा के भीतर नहीं आए तो मुस्लिम लीग बाद में अपने लिए पाकिस्तान का की जो उसकी मांग थी उस पर अड़ी रही और उसका नतीजा हिंदुस्तान के विभाजन के रूप में सामने आया और फिर जो उन क्षेत्रों से चुने गए सदस्य थे जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो कभी भी संविधान सभा का का भाग नहीं बने और ये जो पूरी 2011 महीने और 17 दिनों के अवधि में जो संविधान बनकर तैयार हुआ था उसमें कुल 11 सत्र हुए और एक वास्तविक दिनों में काम हुआ संविधान के ड्राफ्ट में 315 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं 26 नवंबर उन्नीस को संविधान का जो जो अंतिम रूप पारित हुआ उसमें तीन अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं और संविधान सभा के 308 सदस्यों में से दो ने अंतिम मसौदे पर हस्ताक्षर किए 28 अनुपस्थित रहे तथा पाँच सीट खाली थी और जो इस पूरे संविधान सभा में जो संविधान निर्माण का कार्य हुआ उसके बारे में हम और आगे विस्तार से देखेंगे कि अलग अलग विद्वानों ने उसको कैसे देखा है लेकिन निश्चित रूप से इसमें अलग अलग स्तरों पर विचार विमर्श के माध्यम से काम करने की कोशिश की गई अलग अलग तरह की समितियां बनीं और इन समितियों ने विभिन्न विषयों पर नज़र रखी संविधान सभा ने बड़ी संख्या में समितियों के माध्यम से काम किया और इस संदर्भ में आठ समितियां प्रमुख थीं पहली प्रक्रिया समिति दूसरी संचालन समिति तीसरी मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के बारे में परामर्शवादी समिति चौथी प्रारूप या ड्राफ्टिंग समिति पांचवी केंद्र शक्ति समिति छठी संघीय संविधान समिति सातवीं प्रांतीय संविधान समिति और आठवीं राज्य समिति इसके अलावा कई अन्य समितियां और उप समितियाँ थीं इन सब ने विभिन्न विषयों पर गहराई से विचार किया इस संदर्भ में माइनॉरिटी सब कमेटी फंडामेंटल राइट्स कमेटी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड आसाम एक्सक्लूडेड एंड पार्सली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी प्रमुख थी सभी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी लेकिन इस संदर्भ में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की इसी ने विभिन्न समितियों की अनुशंसाओं और इस पर संविधान सभा के फैसले को आकार देने का काम किया संविधान सभा में कुल पंद्रह महिला सदस्य भी थीं और इन्होंने भी संविधान के निर्माण में प्रमुख भूमिका अदा की इन्होंने बढ़ चढ़ कई सारे मामलों में हिस्सेदारी की अगर हम संविधान सभा के कार्यों पर ध्यान दें तो आ, हम यह पाएंगे कि संविधान सभा के कार्यों में जो अलग अलग समितियाँ थीं उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की हर एक विषय उस प्रमुख समिति को दे दिया गया जिसके लिए उसका गठन हुआ था मिसाल के तौर पर मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित परामर्शदात्री समिति और इस और उस विशेष समिति ने उस मसले से जुड़ी सभी बातों का अध्ययन किया उसमें आ, अन्य देशों के संविधानों के में मौजूद प्रावधानों का भी अध्ययन किया गया उसमें 1935 के जो प्रावधान थे उसका भी अध्ययन किया गया और उसके बाद गहरे वाद विवाद के माध्यम से इन चीज़ों को अपनाया गया प्रस्ताव तैयार किया गया कि किस तरीके की चीज़ हिंदुस्तान के संविधान में होनी चाहिए और उसके बाद जब उस समिति के प्रस्ताव संविधान सभा के सामने आए तो फिर उस पर गहराई से विचार विमर्श हुआ अन्य कई सदस्यों ने भी अपने विचार रखे जो संशोधन हो सकते थे वो संशोधन भी प्रस्तावित किए गए और कई बार ऐसे संशोधनों को स्वीकार किया गया कई बार इन संशोधनों को अस्वीकार किया गया तो ये पूरी प्रक्रिया जो थी वह एक विशेषज्ञता से लेके सामान्यता की ओर बढ़ी और उसमें आ, सिर्फ हिंदुस्तान की परिस्थितियों पर ही ध्यान नहीं रखा गया बल्कि अलग अलग देशों की संविधानों उनके अनुभवों को लेने समझने का प्रयास किया गया तो इस लिहाज से जो भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने खुले दिमाग से काम किया और उन्होंने आ, ऐसे विभिन्न देशों के संविधानों से उन चीज़ों को ग्रहण करने की कोशिश की जो उन्हें अपने देश की परिस्थितियों के हिसाब से मुनासिब लगा कई बार उसमें थोड़ी रद्दोबदल भी की गई और बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं थी कि सिर्फ संविधान सभा में पहली बार आ गई वो सारी चीज़ें हिंदुस्तान की यानी कि हमारे देश की जो पूरी स्वतंत्रता का जो संघर्ष था या उस दौरान जो उभरे वाद विवाद थे उसमें उभर कर सामने आ चुकी थी हमारे संविधान में स्वीकार किया गया तो जो संविधान सभा के काम करने का पूरा तरीका था उसके बारे में हमें यह बुनियादी चीज़ समझ कर रखनी होगी अगर हम संविधान के दर्शन की बात करें तो उसमें दो प्रमुख दस्तावेज जो हैं वो काफ़ी उपयोगी आ, साबित हो सकते हैं एक तो संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य प्रियम और दूसरा जो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था 22 जनवरी 1947 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया इसमें भारत को संविधान से शासित होने वाले स्वतंत्र संप्रभु गणतंत्र संघीय ढांचे लोकतांत्रिक सरकार मूल अधिकारों अल्पसंख्यकों पिछड़ों जनजातियों के लिए पर्याप्त संवैधानिक सुरक्षा इत्यादि विषयों पर एक दृढ़ वचनबद्धता व्यक्त की गई और ये जो एक प्रमुख चीज़ हमें याद रखने की ज़रूरत है यहाँ पर वह यह कि नेहरू ने जब अपना यह प्रस्ताव पेश किया था तो इसमें काफ़ी हद तक कैबिनेट मिशन की जो प्रस्ताव थे उसी के अनुरूप जो संघीय ढांचा था उसमें आ, राज्यों को ज़्यादा शक्ति देने की बात कही गई थी लेकिन बाद में जो आखिरी रूप में संविधान आया उसमें हमने संघीय ढांचे को अपनाया है पर वह संघीय ढांचा केंद्र की तरफ झुका हुआ है और इसका प्रमुख कारण यह रहा कि जिस तरह की परिस्थितियां हमारे देश में उभर कर सामने आई उन वर्ष उन आ, महीनों में जिसके कारण देश का बंटवारा हुआ कई आ, दंगे हुए बड़े पैमाने पर दंगे हुए लोग मारे गए तो यह समझ बनी संविधान सभा के भीतर कि असल में प्रांतों को राज्यों को शक्तियां दी जानी चाहिए पर वो इस सीमा तक नहीं होनी चाहिए कि देश में अव्यवस्था जैसी स्थिति पैदा हो जाए तो इस लिहाज से संघात्मक विचारों को अपनाने के साथ ही साथ मजबूत केंद्र के विचार की आ, बात भी आगे बढ़ी हम इस मुद्दे पर और ज़्यादा विस्तार से बात करेंगे जब हम भारतीय संघवाद के बारे में एक अलग से विषय रखेंगे और उस पर हम चर्चा करेंगे एक अलग लेक्चर में हम इस पर बातचीत करेंगे बहरहाल जो मुख्य बात है वह यह कि जवाहरलाल नेहरू का जो उद्देश्य प्रस्ताव था उससे हिंदुस्तान का संविधान कैसा होना चाहिए उसके बारे में एक झलक मिल जाती है जिसमें कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात है लोकतांत्रिक शासन की बात है कानून के शासन की बात है अल्पसंख्यकों पिछड़ों जनजातियों को और मजबूती से अधिकार देने की बात है कि कहीं से भी वे दोयम दर्जे का नागरिक खुद को महसूस ना करें और अगर हम संविधान में नज़दीक जाकर देखेंगे बहुत सारे प्रावधानों को तो ये सारी चीज़ें हमें साफ़ तौर पर नज़र आती हैं इसके बारे में आ, हम आगे आ, और विस्तार से चर्चा करेंगे संविधान की प्रस्तावना पढ़ने से भी संविधान के दर्शन का अंदाज़ा हो सकता है इस प्रस्तावना के अनुसार हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक एवं आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास एवं धर्म और उपासना और की स्वतंत्रताएं प्रतिष्ठा और अवसर की समताएं प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली एवं बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर उन्नीस सौ मिति ईस्वी मितिशीर्ष मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत दो हज़ार विक्रम सिद्ध को एत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं तो बाद में ये जो पूरा हमारा हमारी उद्देशिका थी उसमें आ, कुछ चीज़ों को जोड़ा गया विशेष रूप से इसमें समाजवादी और सेकुलर शब्द जोड़े गए 1942 में जो उन्नीस में जो बयालीसवां संविधान संशोधन हुआ उसमें और लेकिन अगर ये शब्द नहीं भी आ, जोड़े जाते तब भी आ, जो हमारे संविधान की जो पूरी प्रस्तावना है उसमें एक तरीके का सेकुलर जो झुकाव है वो साफ तौर पर दिखता है और संविधान के प्रस्ताव आ, के विभिन्न प्रावधानों में यह पहलू और भी ज़्यादा साफ तौर पर सामने आती है तो अगर हम कुछ बिंदुओं में भारतीय संविधान के दर्शन के संबंध में चीज़ों को समझना चाहें तो हम इस रूप में उसको सामने रख सकते हैं पहला स्वतंत्र और संप्रभु दूसरा गणराज्य तीसरा अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना चौथा लोकतंत्र पांचवा प्रतिनिधिमूलक सरकार छठा राजनीतिक न्याय सातवां आर्थिक न्याय आठवां स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व नौवां एक समाजवादी प्रकार के राज्य से समाजवाद की ओर दसवां देश की एकता और अखंडता पर जोर ग्यारहवाँ सेकुलर राज्य धर्म के स्वतंत्रता की गारंटी अब इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वह हमारे संविधान में बिल्कुल साफ तौर पर सामने आती हैं और इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि किस तरीके से हम एक ऐसे आ, एक ऐसे देश की ओर आगे बढ़ें एक ऐसे देश की स्थापना की ओर एक ऐसे समाज की स्थापना की ओर आगे बढ़ें जो कि एक लोकतांत्रिक समाज की स्थापना करें जिसमें कि राजनीतिक न्याय हो आर्थिक न्याय हो स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का विचार हो और एक समाजवादी राज्य की ओर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति हो और साथ ही साथ देश की एकता और अखंडता पर भी जोर दिया जाए पहले अखंडता शब्द पर उस तरीके से जोर नहीं था लेकिन बाद में 1960 के दशक में संविधान संशोधन के माध्यम से यह साफ किया गया कि देश का कोई भी जो प्रांत है वह देश से अलग नहीं हो सकता है तो ये चीज़ पहले मानी जाती थी कि काफ़ी हद तक स्पष्ट है लेकिन बाद में कई तरह के वाद विवाद उभरने के कारण इस चीज़ पर जोर दिया गया यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और जिन्होंने जिनको यह श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने संविधान का निर्माण किया जो कि बिल्कुल सही भी है क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी का जो काम था वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था जिसने इस बात का ध्यान रखा कि सारे जो संविधान के प्रावधान हैं वह इस तरीके से सामने आए कि उनमें आपस में कोई टकराव ना हो और कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण बात न छूटे जो संविधान सभा के वाद विवाद में सामने आती है और कई सारी ऐसी बातें भी सम्मिलित हों जो कहीं से छूट जा रही हैं उन्हें संविधान सभा की नज़र में लाया जाए और उसे फिर से संविधान में शामिल किया जाए तो ये बिल्कुल सही है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है लेकिन उन्होंने इस बात पर जब उन्होंने संविधान सभा में अपना आखिरी वक्तव्य दिया तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब तक हम सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित नहीं करते हैं तब तक हम एक सफल लोकतांत्रिक व्यवस्था की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं तो इस लिहाज से जो उनका यह डर था वह वर्तमान राजनीति में यथार्थ रूप में सामने भी दिखता है क्योंकि बहुत तरह की ऐसी प्रवृत्तियां हमारे समाज में मौजूद हैं जो कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के साथ सुसंगत नहीं है एक ऐसा समाज जहाँ पर सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा असमानता हो जहाँ पर आ, कुछ अभी भी कुछ ऐसी जाति कुछ ऐसे समूह हैं जिन्हें मुख्य धारा का हिस्सा ना माना जाता हो जहाँ पर इतनी आर्थिक गैर बराबरी हो कि कुछ लोगों के पास ही देश के संपत्ति का अधिकांश हिस्सा हो तो ऐसी ऐसे किसी समाज के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यह तर्क दिया था कि ऐसे किसी समाज के लिए हम एक लोकतांत्रिक शासन की स्थापना या राजनीतिक बराबरी का जो पूरा तर्क है उसको वास्तविक धरातल पर नहीं उभार सकते हैं और ये एक तरीके से अंतर्विरोधों के जगत में जाने की तरह है तो इस लिहाज से जो संविधान निर्माण हुआ उसके आखिरी उसमें अपने आखिरी वक्तव्य में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक तरीके की विडंबना का एक तरीके के अंतर्विरोध का एक संकेत दिया था जो कि बाद के अनुभव में काफ़ी सही भी साबित हुआ लेकिन अगर हम हिंदुस्तान के संविधान सभा की आलोचनाओं की तरफ जाएं, तो हम यह देखेंगे कि उसकी कुछ बुनियादी आलोचनाएं की जाती रही हैं कुछ बिंदुओं का मैंने यहाँ ज़िक्र किया है पर कुछ सामान्य आलोचनाएं होती हैं मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि हमारे संविधान में अधिकांश चीज़ें अलग अलग देशों से ले ली गई हैं अब ये जो अलग अलग देशों से लेने का की बात है वह पूरी तरीके से गलत भी नहीं है एक प्रभाव साफ तौर पर दिखता है या दिखता है कि फंडामेंटल राइट्स कोई सीधे तौर पर यह कह सकता है कि उसके पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान में मौजूद था यह भी दिखता है कि मिसाल के तौर पर हम लोगों ने किस तरीके से आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया या फिर हमने आपातकाल के प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिए और ऐसे बहुत तरह के उदाहरण दिए जा सकते हैं लेकिन और यह भी कहा जाता है कि उसका एक बड़ा हिस्सा तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसी से लिया गया लेकिन जो चीज़ इस आलोचना के संदर्भ में हमें समझने की ज़रूरत है वह यह कि हिंदुस्तान का जो कि जो संविधान सभा का जो काम करने का तरीका था मैंने इसके बारे में पीछे भी संकेत किया है वह काफ़ी खुला हुआ था अलग अलग समितियाँ थीं उन्होंने विभिन्न देशों के संविधानों के सार्थक अच्छे पहलुओं का अध्ययन किया लेकिन इसके साथ ही आ, हमें यह भी याद रखने की जरूरत है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे संविधान में सम्मिलित की गई जिनके बारे में आ, देश के राष्ट्रीय आंदोलन में पहले से ही वाद विवाद होता रहा था मिसाल के तौर पर हम मौलिक अधिकारों के विषय को लेते हैं कांग्रेस ने 1931 के अपने कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव को स्वीकार किया उसके पहले जो मोतीलाल नेहरू कमेटी थी जिसमें सभी दलों के लोग सम्मिलित थे बाद में मुस्लिम मुस्लिम लीग ने अपनी असहमति व्यक्त की लेकिन फिर भी जब बन रहा था तो उसमें सभी पार्टियों के प्रमुख पार्टियों के लोग सम्मिलित थे और मुस्लिम लीग को मौलिक अधिकारों को या फिर अल्पसंख्यकों और व्यक्तियों को कुछ अधिकार देने से असहमति नहीं थी मुस्लिम लीग की असहमति दूसरे बिंदु पर थी तो ये हम देख सकते हैं कि हमारे देश के भीतर जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसमें जो अलग अलग तरह की आवाज़ें थीं जो अलग अलग तरह की धाराएं थीं उन्होंने अपनी समझ से अपने आंदोलन में उभरने वाले मुद्दों के आधार पर बुनियादी अधिकारों की अवधारणा को स्वीकार किया था जो बाद में मौलिक अधिकारों के रूप में हमारे संविधान में शामिल हो पाया कि हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में आ, मुख्य रूप से जो सेकुलरवाद का मूल्य जिसे हम कह सकते हैं जिसमें कि मूल अधिकारों के तहत कुछ बुनियादी अधिकारों की बात कही गई है जिसमें राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह धर्म के आधार पर भेदभाव ना करे वो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्य थे उसी तरीके से देश जो है वो आर्थिक बराबरी की ओर बढ़े यह भी मूल्य राष्ट्रीय आंदोलन से उभर कर सामने आया था तो यह आलोचना तो आमतौर पर सामने आती है लेकिन इस आलोचना में कोई बहुत वजन है ऐसा नहीं कहा जा सकता दूसरे स्तर पर आलोचना यह आती है कि यहाँ जो प्रतिनिधित्व था वह सीमित था इसका मुख्य आधार यह है कि जिस तरीके से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ वह अप्रत्यक्ष चुनाव था यानी कि आ, पहले जो प्रांतीय विधानमंडल थे उनका चुनाव हुआ प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों ने फिर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया और जो प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य चुने गए उनमें भी बहुत सारे जो आ, सदस्य चुने गए थे वो अधिकांश सदस्य जो चुने गए थे हमें यह कहना चाहिए वो सीमित मताधिकार के आधार पर चुने गए थे सिर्फ अट्ठाईस दशमलव पाँच प्रतिशत लोगों को वोटिंग राइट्स मिला हुआ था तो इस लिहाज से बड़ी ही आ, एक ऐसी स्थिति थी जिसमें कि यह नहीं कहा जा सकता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा चुनी गई थी और इसके साथ ही इसमें जो दूसरी बात थी वह यह थी कि जो संविधान सभा मुस्लिम लीग के हटने के बाद बची उसमें पचासी प्रतिशत हिंदू थे और पैंतालीस प्रतिशत ब्राह्मण थे तो यह अपने आप में एक चिंता के रूप में तो विषय सामने आता ही है क्योंकि जो देश के लोग थे उनका सही प्रतिनिधित्व तो इसमें नहीं था दूसरे कई स्तरों पर यह भी कहा जाता है कि कम्युनिस्टों ने एक समय तक देश की आज़ादी को वास्तविक आज़ादी नहीं माना था संविधान सभा से वो बाहर रहे थे सोशलिस्ट भी इससे बाहर थे जब प्रकाश नारायण ने संविधान सभा की आलोचना की थी और इस लिहाज से भी कुछ तत्व जो थे वो संविधान या कुछ प्रमुख आवाज़ी जो थी वो संविधान सभा का हिस्सा नहीं थी तो ये आलोचनाएं अपने आप में महत्वपूर्ण आलोचनाओं के रूप में सामने आती हैं लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा इन आलोचनाओं के आ, को ध्यान को महत्व देते हुए कि असल में भले ही संविधान सभा एक अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई आ, सभा थी और भले ही संविधान सभा को चुनने वाले प्रतिनिधि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे लेकिन इस बात का ध्यान रखा गया कि जो देश के जो प्रमुख आवाजें हैं उन्हें संविधान सभा में जगह मिले और यह आलोचना महत्वपूर्ण तो है कि हिंदुओं का और विशेष रूप से ब्राह्मणों का काफ़ी वर्चस्व था संविधान सभा में लेकिन संविधान सभा के जो काम करने का तरीका था उसमें उन सभी मुद्दों पर खुलकर विचार हुआ जिन मुद्दों पर विचार किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई जो मुद्दे प्रासंगिक थे जो मुद्दे देश के भविष्य की दिशा को तय करने वाले थे तो ये सीमाएं होने के बावजूद हम यह नहीं कह सकते कि उसमें विभिन्न आवाजों की मौजूदगी नहीं थी निश्चित रूप से कम्युनिस्ट उसका हिस्सा नहीं थे लेकिन आ, बहुत तरह के ऐसे सदस्य थे संविधान सभा में जिन्होंने उन चिंताओं को सामने रखा जो कि कम्युनिस्टों की चिंताएं मानी जा सकती हैं उसी तरीके से सोशलिस्ट जयप्रकाश नारायण या राम मनोहर लोहिया के रूप में तो संविधान सभा में नहीं थे लेकिन कई ऐसे सदस्य जरूर थे मिसाल के तौर पर खुद जवाहरलाल नेहरू जो कि समाजवादी सोच से प्रभावित थे और डॉक्टर अम्बेडकर को भी इसमें शामिल किया जा सकता है और उन्होंने संविधान को इस दिशा में मोड़ने का प्रयास किया इसके चौबे जो कि भारतीय संविधान के एक बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं उन्होंने भी एक महत्वपूर्ण आलोचना प्रस्तुत की है उनका यह कहना है कि अगर हम कई बुनियादी सवालों को देखें जो देश के भविष्य की दिशा को तय करने वाले थे उसमें संविधान सभा ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया और उसने इन चीज़ों को भविष्य के लिए छोड़ दिया या फिर बहुत ही ढुलमुल तरीके से उस पर एक प्रावधान करने की कोशिश की गई मिसाल के तौर पर अगर हम एक समाजवादी समाज की ओर बढ़ने की बात करते हैं तो उसमें यह फैसला लिए जाने की ज़रूरत थी कि भूमि वितरण पर भूमि पुनर्वितरण पुन पुनर्वितरण पर लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन पर किस तरह की रणनीति अख्तियार की जाएगी लेकिन संविधान सभा ने इस पर कोई ख़ास स्पष्ट दिशा निर्देश तैयार नहीं किया भाषाई राज्यों का मसला था जो कि पहले से ही एक ज्वलंत मसला बन रहा था उसके बारे में संविधान सभा ने कोई दिशा दिखाने की कोशिश नहीं की और इस लिहाज से इनका यह मानना था कि बहुत सारे मसले जिन पर कि ठोस निर्णय लिए जाने थे संविधान सभा ने बस उन्हें एक तरीके से टाल दिया या भविष्य की दिशा में छोड़ दिया यह आलोचना कुछ हद तक महत्वपूर्ण मानी जा सकती है लेकिन आ, शायद हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आ, संविधान सभा का जो मुख्य काम था वो भविष्य के लिए एक दस्तावेज तैयार करने का था और इस आलोचना में थोड़ी बहुत वैधता होने के बावजूद अगर उसने इन चीज़ों को भविष्य के लिए या भविष्य के सरकारों के लिए छोड़ा तो हम यह कह सकते हैं कि वह एक लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लेने के पद्धति का ही परिचायक है हालांकि मैं आ, इसके चौबे की इस आलोचना को पूरी तरीके से आ, गैर वाजिब नहीं मानता हूँ मुझे लगता है कि इस आलोचना में थोड़ा वजन जरूर है अब हम यह कोशिश करेंगे कि हम दो प्रमुख विद्वानों राजीव भार्गो और ग्रैनविल ऑस्टिन ने भारत के संविधान को भारतीय संविधान सभा के निर्माण करने कर, के निर्माण की पूरी प्रक्रिया को जैसे देखा है उसके बारे में उनके विचारों को आपके सामने रखूं। राजीव भार्गव ने भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख सीमाओं की ओर ध्यान दिलाया है पहला उन्होंने उनका यह कहना है कि राष्ट्रीय एकता का अत्यधिक केंद्रीकृत विचार जो है वो संविधान सभा में मिलता है और इसके कारण से ही संघवाद की धारणा को स्वीकार करने के बावजूद केंद्र के हाथों में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दे दी गई हैं और उसमें यह जो पूरा विचार है जो एक सेंट्रलाइज विचार जिसे भारगो मानते हैं उसके कारण से काफ़ी कुछ संघवाद के विचार को तो चोट पहुंचा ही है लेकिन जैसे मैंने पहले चर्चा की है और खुद भार्गव भी इस चीज़ को मानते हैं कि उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी थीं जिसके कारण से एक राष्ट्रीय सुरक्षा की जो पूरी चिंता थी वह संविधान सभा के कार्यों पर हावी हुई और यह माना गया कि संसदवाद को अपनाया जाना चाहिए और केंद्र के हाथों में ज़्यादा शक्ति होनी चाहिए जिससे कि वह देश की एकता को या देश में अगर कोई आपात कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होती है तो वो उसका सामना कर पाए और इसी लिहाज से आ, यह राष्ट्रीय एकता का केंद्रीकृत विचार जो है आ, उस एक सीमा के बावजूद कई बार अपरिहार्यता या आवश्यकता के रूप में सामने आती है दूसरा उनका यह कहना है कि जेंडर न्याय के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की उपेक्षा की गई और हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि जो भारत में जो संविधान सभा ने काम किया जो जो संविधान बना उसमें काफ़ी हद तक महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देने की बात कही गई लेकिन कई सारे ऐसे मसले थे जिसके बारे में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया और यहाँ भी एक तरीके से इसके चौबे की जो आलोचना है वो प्रतिध्वनित होती है और अगर हम बाद की घटनाक्रम को देखें जेंडर के यानी कि स्त्रियों के अधिकारों के मसलों पर तो हम यह पाएंगे कि औपचारिक समानता का प्रावधान तो संविधान में किया गया लेकिन कई तरह की ए, और जो सुधार किए जाने थे जिसे बाद में डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल के रूप में लेकर सामने आते हैं और अन्य मुद्दों के साथ यह एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है जिसके चलते वे नेहरू के मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे देते हैं क्योंकि वो उसमें कानून मंत्री थे और वो चाहते थे कि हिंदू कोड बिल पारित हो लेकिन बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे थे जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे विरोध किस आधार पर किया जा रहा था विरोध का आधार यह था कि यह हिंदू समाज की जो पारंपरिक व्यवस्था है उसके लिए खतरनाक है लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे या उनके परंपराओं को एक तरीके से ऊपर से एक ख़ास तरीके के ढांचे में डालने की तरह है और इसी के कारण से नेहरू भी कुछ हद तक झिझक गए और जिस समय डॉक्टर अंबेडकर इन्हें लाना चाहते थे वो आ, उस समय नहीं ला पाए इसे बाद में आ, नेहरू की सरकार ने छोटे छोटे टुकड़ों में यानी कि कई एक हिंदू कोड बिल एक बड़ा कानून था तो उसमें तीन चार कानून अलग अलग करके उन्होंने आ, उस कानून को पारित करवाया और उसमें हिंदू महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था की गई जेंडर के आधार पर जो एक दूसरा मुद्दा सामने आ सकता है आना चाहिए वह समान नागरिक संहिता से भी जुड़ा हुआ है जिसके बारे में हम अलग से विस्तार से बातचीत करेंगे जब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा करेंगे पर यहाँ सिर्फ इस बात का मैं उल्लेख करना चाहता हूँ भारतव द्वारा की गई आलोचना के बिंदु का विस्तार करते हुए कि जो समान नागरिक संहिता की आवश्यकता मानी जाती है और नारीवादियों ने कई बार और लगातार इस पर जोर दिया है तो उसका बुनियादी कारण यही माना जाता है कि अधिकांश धर्मों के जो निजी कानून है या जो निजी तरीके से जीवन को संचालित करने की जो विधियां हैं जो प्रथाएं हैं उसमें महिलाओं की स्थिति बड़ी ही दुर्बल है तो ऐसी स्थिति में यह कोशिश की जानी चाहिए कि एक ऐसी समान नागरिक संहिता बने जिसमें सभी धर्मों में महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले लेकिन आ, कुछ हद तक शायद दृढ़ निश्चय की कमी कुछ हद तक उस समय की मौजूद परिस्थितियाँ इन सब के चलते संविधान सभा ने इसे राज्य के नीति निदेशक तत्वों की श्रेणी में डाला यानी कि राज्य भविष्य में यह प्रयास करेगा कि एक समान नागरिक संहिता बने और ये जो कॉमन सिविल कोड का जो मसला था वो बाद के दौर में सांप्रदायिक राजनीति का एक हथियार भी बन जाता है लेकिन मुख्य रूप से यह एक ऐसा मसला था जिस पर संविधान सभा को ठोस तरीके से निर्णय लेना चाहिए था पर संविधान सभा ऐसा निर्णय लेने में असफल रही निश्चित रूप से आगे हम ये देखेंगे जब हम मौलिक अधिकारों की बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो कि हमारे देश के में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उस पर भी कई प्रतिबंध लगे हुए हैं और भारगो भी इसे इंगित करते हैं और कई बार ये प्रतिबंध इतने ज़्यादा लगते हैं कि आ, ऐसा लगता है मानो मूल अधिकारों या मौलिक अधिकारों का कोई खास मतलब ही नहीं है और बाद के दौर में जो एंटी टेरर लॉज बने या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लॉज बने जिनके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे जिसमें कि यह कहा गया कि सुरक्षा के लिए कुछ अलग तरीके की कानूनों की आवश्यकता है जिसमें कि आरोपी व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में रखा जा सके तो या फिर आ, हिंसा होने से पहले ही लोगों को गिरफ्तार करके रखा जा सके तो इन सब के कारण भी लोगों की बुनियादी अधिकारों या मूल अधिकारों की काफ़ी उपेक्षा हुई है और यह माना जाता है कि यह किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए एक आदर्श स्थिति नहीं है कि वहाँ पर असाधारण कानून हो आतंकवाद विरोधी कानूनों के कारण लोगों की स्वतंत्रताओं स्वतंत्रताएं सीमित हों तो ये फंडामेंटल राइट्स का जो पूरा चैप्टर है उसी में ये सारी बुनियाद मौजूद है जिसके आधार पर बाद की सरकारों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉज का सहारा लिया इसके अलावा भार्गव यह भी मानते हैं कि अल्पसंख्यकों के न्यूनतम प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों को नहीं अपनाया गया और शायद हम इसे आज के यानी पिछले सात आठ सालों की राजनीति में देख भी सकते हैं कि भैया हो जाता है कई बार कि अगर कोई पार्टी बहुमतवादी राजनीति करती है और उस बहुमतवादी राजनीति के आधार पर वह एक अल्पसंख्यक समूह को और कोई ज़रूरी नहीं है कि हर मामले में वो मुस्लिम ही हो वह अल्पसंख्यक समूह और छोटे छोटे कई समूह हो सकते हैं आ, धर्म के नाम पर आ, या फिर भाषा के आधार पर कई दूसरे राज्यों में तो उन समूहों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो कैसे मिले अगर हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा जिसे वोट मिलता है वो जीता उसे मान लेते हैं जो कि हमारे देश में अपनाया गया है तो उसके आधार पर फिर ये होता है कि अधिकांश सीटों पर जो अल्पसंख्यक समूह और विशेष रूप से जो बहुत छोटी संख्या वाले अल्पसंख्यक समूह हैं उन्हें ज़्यादा प्रतिनिधित्व या पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है और वो लोकतंत्र के दायरे में हाशिए पर या हाशिए से भी बाहर चले जाते हैं तो इस लिहाज से भार्गों का यह कहना है कि जो विशेष प्रावधान कुछ ऐसे किए जाने चाहिए थे जिससे कि अल्पसंख्यकों की का प्रतिनिधित्व एक सीमा तक सुनिश्चित हो वह नहीं हो पाया तो कई बार हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह है उसे भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलता है लेकिन जो उससे भी छोटे समूह हैं वो कई बार और भी बुरी स्थिति में होते हैं तो शायद इस पर विचार करने की भी आवश्यकता हो सकती है और निश्चित रूप से यह एक ऐसी आलोचना है जिस पर कि ध्यान दिया जाना चाहिए राजीव भार्गव ये और भी कई आलोचनाएँ प्रस्तुत करते हैं लेकिन इन सब बातों के अलावा भी उनका एक महत्वपूर्ण विचार है और वे मानते हैं कि जो हिंदुस्तान का जो हमारा संविधान है जो संविधान सभा के काम करने का तरीका था वह असल में उस सिर्फ उस अवधि में सामने आए विचारों को नहीं रखता है जहाँ पर संविधान सभा के सदस्य बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे बल्कि एक लंबी अवधि में जो राष्ट्रीय आंदोलन चला उसमें जो अलग अलग तरह के मुद्दे आए वो सभी आ, उस तरह के विचार विमर्श में आए और यह एक ऐसे दस्तावेज के रूप में सामने आता है जिससे मूल्य टकराव को सुलझाने की कसौटी सामने आती है और निश्चित रूप से आ, जैसे हमने पहले भी इस बात पर गौर किया कि इसे सीमित मताधिकार से चुना गया था लेकिन भार्गो यह मानते हैं कि फिर भी इसमें लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व था भारतीय संविधान के बारे में ग्रेनविल ऑस्टिन के काम को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है खासतौर पे उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशन उसमें संविधान सभा के काम को या संविधान सभा में हुई बहसों को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया गया है और उन्होंने कुछ प्रमुख बातें हिंदुस्तान के संविधान सभा के काम के बारे में कही थी एक तर्क उन्होंने यह दिया कि संविधान सभा की जो धुरी थी जो पूरा उसका जो पहिया था वह नेहरू जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और राजेंद्र प्रसाद के आसपास चक्कर काटता रहा तो यह एक तरीके से आलोचना के रूप में भी माना जा सकता है इसे क्योंकि कुछ ऐसे सदस्य थे जो कि जरूरत से ज़्यादा या ज़्यादा सक्रिय थे और बहुत सारे सदस्य जो थे वो उतने ज़्यादा सक्रिय नहीं थे लेकिन निश्चित रूप से ये हर एक संस्था के भीतर काम की प्रवृत्ति होती है सभी सदस्य बराबर रूप से सक्रिय हों ऐसा संभव नहीं हो पाता है हमेशा ही हर लोकसभा में या किसी भी देश की अगर हम प्रतिनिधि संस्था को देख ले और हमारे देश का संविधान सभा भी उसका ही एक उदाहरण है तो उसमें कुछ सदस्य होते हैं जो ज़्यादा सक्रिय होते हैं कुछ दूसरे सदस्य होते हैं जो उतने ज्यादा सक्रिय नहीं होते हैं बहरहाल ग्रेनविल ऑस्टिन यह कहते हैं कि भारतीय संविधान सभा की जो एक बड़ी विशेषता थी वह यह थी कि इसने आम सहमति से काम करने का प्रयास किया यह कोशिश की गई कि अधिकांश मुद्दों पर बहुमत अल्पमत का दमन ना करें जो भी संशोधन सामने लाए जाते थे उन पर खुलकर विचार किया जाता था और उन विचारों के माध्यम से एक कोशिश होती थी आम सहमति बनाने की और आ, उसी आम सहमति से हर मसले का निपटारा या उसके बारे में एक निर्णय लेने की कोशिश की गई ये यह भी तर्क प्रस्तुत करते हैं कि संविधान सभा ने आपस में एक गुत्थे हुए सिमलेस वेब का निर्माण किया एक ऐसे आ, जाल का निर्माण किया जिसमें कि चीज़ें आपस में गुथी हुई थी और उसमें वो कहते हैं कि कुछ प्रमुख मूल्य थे जो कि सामने आए इसमें सामाजिक क्रांति लोकतंत्र तथा एकता और अखंडता को एक साथ लेकर चलने का प्रयास किया गया ठीक है सामाजिक क्रांति लोकतंत्र तथा एकता और अखंडता ये इन चीज़ों को वो एक सिमलेस वेब के रूप में प्रस्तुत करते हैं यानी कि हिंदुस्तान की संविधान सभा लोकतंत्र के प्रति पूरी तरीके से दृढ़ निश्चित थी उसके काम में एकता और अखंडता के विचार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी जिसमें कि एक बंटवारे का सामना करना पड़ा था और उसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी और इसके अलावा जो बुनियादी चीजों वो सामाजिक क्रांति का विचार है यानी कि कुछ ऐसा बदलाव लाया जाए जिससे समाज में समता की स्थिति पैदा हो और ये सारी चीज़ें जो थीं वो हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन से भी सामने आ रही थी और संविधान सभा के अधिकांश सदस्य उस राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सदस्य के रूप में सम्मिलित थे तो इस लिहाज से ग्रेनविल ऑस्टिन यह कहते हैं कि हिंदुस्तान की संविधान सभा ने एक सिमलेस वेब का निर्माण करने की कोशिश की तो आ, अगर हम संविधान सभा के कार्यों और उनके आलोचनाओं की इस पूरी चर्चा पर पूरी परिचर्चा को इस, आ, खत्म करने से पहले नजर डालें तो हम यह कह सकते हैं कि आ, हिंदुस्तान की का जो संविधान था वह एक लंबे राष्ट्रीय आंदोलन का नतीजा था और उसी के परिणाम स्वरूप संविधान सभा आ, के भीतर आ, एक नए तरह के संविधान का निर्माण हुआ इसमें जो अंग्रेजों के शासन के दौरान थोड़े थोड़े करके जो संवैधानिक सुधार होते रहे उनका प्रभाव भी दिखता है विशेष रूप से 1935 के भारत शासन अधिनियम का प्रभाव हमें हमेशा यह याद रखने की आवश्यकता है कि वह कोई भी सुधार अंग्रेजों ने खुद ब खुद लाकर प्लेट में भारतीयों के सामने नहीं रखा हर एक के पीछे एक लंबा संघर्ष था मिसाल के तौर पर उन्नीस के अधिनियम के पहले मैंने पहले इस बात का उल्लेख किया है कि महात्मा गांधी के दो बड़े जन आंदोलन थे आ, क्रांतिकारियों का संघर्ष था और एक ऐसी परिस्थिति थी अंग्रेजों को यह लगा कि अगर वो आ, अपने शासन को थोड़े लंबे समय तक भारत में खींच सकते हैं वो तभी खींच सकते हैं जब वो हिंदुस्तानियों के असंतोष का शमन करें और उन्हें कुछ चीज़ें संवैधानिक सुधार के रूप में दें तो ये चीज़ें हमेशा ही हिंदुस्तानियों के संघर्ष से सामने आई और हिंदुस्तान ने कई अन्य देशों के संविधानों की बेहतर चीज़ों को लेने की कोशिश की कई सारी चीज़ें हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से बढ़कर सामने आई थी और कई सारी चीज़ें जो हमारे देश के संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने उसे पढ़ते हुए उसकी चर्चा करते हुए हिंदुस्तान के लिए उपयोगी मानते हुए उसे स्वीकार किया और जो प्रमुख चीज़ थी वो यह कि हिंदुस्तान की संविधान सभा आ, एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से चुने होने के बावजूद कई अन्य प्रक्रियाओं के द्वारा आ, हिंदुस्तान की विविधता को प्रतिनिधित्व देने वाली थी कुछ प्रमुख धाराएं जरूर संविधान सभा का हिस्सा नहीं रह पाएं नहीं बन पाएं लेकिन उन धाराओं का प्रतिनिधित्व देने का काम कांग्रेस के भीतर के ही कई तत्वों ने किया और उनकी आवाज़ें संविधान सभा में मौजूद रहीं और बाद में उन तत्वों ने भी संविधान को पूरी तरीके से स्वीकार किया तो इस लिहाज से मेरी यह उम्मीद है कि इस पूरी परिचर्चा के बाद आप एक सामान्य समझ हिंदुस्तान के संविधान सभा के काम के बारे में और हिंदुस्तान के संविधान के दर्शन के कुछ प्रमुख तत्वों के बारे में और उनके बारे में कुछ जो विद्वानों ने बातें कही हैं वो उन सब के बारे में हम अगले जो हमारा एपिसोड होगा उसमें हम भारतीय शासन और राजनीति से जुड़े आ, एक अन्य विषय पर चर्चा करेंगे नमस्कार